इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर के अंदर अगर हमें इशू दिखाई देता है, द सर्वर कुड नॉट बी रीच्ड फॉर काइन मास्टर्स, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर ये वाला इशू आ जाए तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है एंड आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेट एंड टाइम पर जाना है और यहाँ से टाइम जोन को क्लिक करके लगा देना है या यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर लिखा हुआ रहा हो तो उस पर भी टिक करके आप लगा दीजिएगा। फिर यहाँ से बैक ला दीजिएगा और फिर जो है आप अपने सिम कार्ड्स में जाइएगा और यहाँ से मोबाइल डेटा को ऑन कर दीजिएगा अगर ये बंद हो तो, और अगर चालू है तो एक दफ़ा एरोप्लेन मोड लगाकर इसमें बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ से बैक लाइएगा एंड प्ले स्टोर में जाइएगा और यहाँ पर काइन मास्टर को सर्च करिएगा। ठीक है, जब हम इसको सर्च करेंगे यहाँ पर ये हमारे पास खुल जाएगा। अगर इसमें आपको अपडेट मिल रहा हो, बाहर से अपडेट मिल रहा हो या अंदर से अपडेट मिल रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि अब भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर सेटिंग्स में जाइए आप और यहाँ पर ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और काइन मास्टर को दोबारा सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पर आप करिए क्या कि रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो सब पर टिक करके लगा दीजिए, ऐप परमिशंस पर सबको अलाउ कर दीजिए, अदर परमिशंस पर भी सबको अलाउ कर दीजिए, बस बैकग्राउंड को छोड़कर। ठीक है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो बस फिर यहाँ से डेटा क्लियर मार दीजिए एंड जो ड्राफ्ट में होगा वो तो शायद क्लियर नहीं होगा, वो आपको सब कुछ वापसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से डेटा क्लियर मार दीजिए। तो जब आप डेटा क्लियर मार देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।